तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर, इस टॉपिक के अंदर ये कहाँ से स्टार्ट है, ये बेसिकली जो चैप्टर है ये डील करता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे। आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुना होगा, फोटोन्स आए और फोटो सेंसिटिव प्लेट पे गिरे, फोटो सेंसिटिव प्लेट पे गिर के उनमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, तो इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो पूरी जो स्टोरी है और पूरा जो ये जो सीक्वेंस है ये पूरा इसी जो है स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये कहानी यहाँ से स्टार्ट नहीं होती, ये थोड़ी पुरानी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक किसी भी मेटल की सरफेस में से बाहर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किसी भी मेटल के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के अंदर लूजली बाउंड होते हैं, और लूजली बाउंड का मतलब ज़रा सी उनको अगर एनर्जी मिले तो वो एटम को छोड़ के बाहर आ सकते हैं, राइट? ऐसा होता है। तो इतना ही पढ़ना है आपने इसमें, जो जो पढ़ने का पार्ट है असली मैं मार्क करवा दूंगा, हिस्ट्री को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन सबको पता है क्या होते हैं। नेक्स्ट है वर्क फंक्शन क्या होता है, आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होता है ये वर्क फंक्शन, कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। कितनी मिनिमम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को ताकि वो अपने एटम को छोड़ दे और सरफेस को छोड़ दे, बाहर चला जाए, तो वो उसका वर्क फंक्शन है। वैसे वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है अगर आपको बाहर निकालना है। अगर आप एग्जैक्टली वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी देते हो तो वो अपने एटम को छोड़ तो देता है पर बाहर निकल के नहीं आता, इट विल नॉट अटेन काइनेटिक एनर्जी, तो रेस्ट पे रहता है लेकिन हाँ एटम को छोड़ देता है, राइट? तो वर्क फंक्शन आपने टर्म सुनी होगी। नेक्स्ट है जो वर्क फंक्शन है वो नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल के डिफरेंट नेचर है और वर्क फंक्शन भी डिफरेंट है, और कंडीशंस ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी सरफेस कैसी है, पॉलिश सरफेस है या कैसी सरफेस है या जैसी भी रफ सरफेस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो W नॉट या फाई नॉट किसी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो ये आपको समझना है, ठीक? वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इनटू 10 की पावर -19 जूल के इक्वल होता है। अब क्योंकि ये चैप्टर डील किस में कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, मेटल की सरफेस है, फोटोन लाइट गिरेगी या कोई भी रेडिएशंस गिरेंगी, मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएंगे, उछल के बाहर आएंगे, तो ये इसमें डील करता है। तो मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को अगर बाहर निकालना है तो उसके कई तरीके हैं, उनमें से पहला तरीका, और इलेक्ट्रॉन एमिशन इसी को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सरफेस में से जब बाहर निकलता है उसको इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन के कई तरीके हैं, उनमें से जो पहला तरीका है इलेक्ट्रॉन एमिशन का वो है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मो नाम से ही पता लग रहा है हीट की बात हो रही है, तो इसमें ये बताया जा रहा है व्हेन अ मेटल इज हीटेड तो इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन गेट सफिशिएंट एनर्जी एंड कैन ओवरकम सरफेस बैरियर। तो जब आप हीट करते हो तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और वो इतनी एनर्जी गेन कर लेता है कि अपनी इस सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उनको क्या बोलते हैं, या तो थर्मियॉन्स बोलते हैं तो या फिर इसको थर्मो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, तो ये इसका नाम है। तो लेकिन हमारा फोकस इस चैप्टर का इसके ऊपर है नहीं, पर फिर भी इसमें डिस्कस किया जा रहा है कि ये एक तरीका है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का। फिर दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का है फील्ड एमिशन या कोल्ड कैथोड एमिशन। बहुत सिंपल तरीका है, इलेक्ट्रोस्टैट्स को यूज कर लो। तो आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो हाई ऑर्डर का, 10^3 से लेकर 10^8 तक, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे और मेटल की सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाएंगे, तो ये फील्ड एमिशन की कैटेगरी है। तो ये दूसरा तरीका है जिससे कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। तीसरा तरीका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं इस चैप्टर में। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में इट इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन इट। तो आपकी एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट है या अल्ट्रावायलेट रेज है, तो इनको अगर आप घेरते हो या नॉर्मल लाइट को भी घेरते हो किसी भी सरफेस पे, और इलेक्ट्रॉन वो फोटोन्स की एनर्जी को लेता है और बाहर निकल के आ जाता है मेटल की सरफेस, इसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, ठीक? तो पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि
इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बट देयर रेट ऑफ एमिशन इज वेरी लो. तो रेट ऑफ एमिशन का मतलब बाहर निकलने का रेट इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता, स्लो होता है. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को फटाफट अप्लाई करो और फटाफट इतना इलेक्ट्रिक फील्ड सब इलेक्ट्रॉन्स को मिला और फटाफट सारे बाहर निकल गए, इतनी तेजी नहीं होता, थोड़ा स्लो चलता है इसमें. नेक्स्ट है सेकेंडरी एमिशन. सेकेंडरी एमिशन में इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे आते हैं? व्हेन अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स अ मेटल सर्फेस, तो बाहर से एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को मेटल की सर्फेस पे हिट किया, तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी अंदर के पड़े इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, और अंदर का पड़ा इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेके एटम को छोड़ के बाहर निकल आता है. इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन. हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं, हम इस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे. हम यूज करेंगे इस किसमें, हम काम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पर. उसने बैकग्राउंड में बहुत तरीके बताए कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं मेटल की सरफेस से. वो अलग बात है कि हमारा इंटरेस्ट यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, ठीक है यहां तक. तो इसके बाद इसकी कुछ हिस्ट्री है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं.